का जो मर्डर हुआ था, मर्डर के पहले दिशा सलजान सुशांत को कुछ फोन पर बात की थी। सुशांत बोला था कि हम इसको पब्लिकली आवाज उठाएंगे इसके लिए। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो पिछले 2.5 साल से चल रहा है, इस मामले को भी कुछ टाइम में 3 साल पूरे हो जाएंगे, पर इस मामले में सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है, हर इंसान आज ये जानना चाहता है कि सीबीआई इस पूरे मामले में क्या कुछ निकाल चुकी है, क्या कुछ पता कर चुकी है। वहीं पर दावा होता है कुछ लोगों का कि सीबीआई इस पूरे मामले में अपनी तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती थी वो निकाल चुकी होगी, इन्वेस्टिगेशन लगभग पूरी कर चुकी होगी, और यही लगता है कि सीबीआई इस पूरे मामले में वक्त आने पे बड़ा धमाका कर सकती है। पर कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इस मामले में कई लोगों का ये कहना था कि इस मामले में अंडरवर्ल्ड का हाथ है, इस मामले में इंटरनेशनल कनेक्शन है, इसी के कारण जो सीबीआई है वो सीधा उन लोगों को पकड़ना चाहती है जो बड़े लोग हैं। छोटे गुर्गों को सीबीआई नहीं पकड़ रही, क्योंकि छोटों को पकड़ने से कोई फ़ायदा नहीं जब तक बड़े गुर्गे हाथ में नहीं आएंगे, और इसी के कारण इस मामले में देरी हो रही है। जैसे कि एनके सूद ने साफ कहा, इस मामले में सीधा डी गैंग का हाथ है। अब देखने वाला विषय कि वक्त आने पर निकल के क्या आएगा। पर अब कहीं ना कहीं बात करें तो इस मामले में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो दावा करते हैं कि ये मामला सिंपल नहीं है। यहाँ पर ये मामला 302 का इशारा कर रहा है। कैसे? क्योंकि जब इस पूरे मामले की खबर निकल गई तो वहाँ पर कोई भी साइट नोट बरामद नहीं हुआ। कहा जाता है कि सुशांत के शरीर पर कुछ निशान पाए गए, जैसे उनके गले पे जो निशान थे, जैसे उनके सुइयों के निशान के दावे हुए। उसके बाद कहा जाता है कि जो कपड़ा मिला था वो बहुत छोटा कपड़ा था, जो कपड़े से कोई भी शख्स कभी लटक ही नहीं सकता। उसके बाद खबर आई कि उनके पैर टूटे हुए थे, पैर मुड़े हुए थे। उसके बाद खबर निकल के आई कि उनके शरीर पर चोटों के निशान थे। उसके बाद खबर निकल के आई कि उनकी बॉडी का मतलब आधा फेस जो था वो पैरालाइज हो चुका था, स्टन गन का यूज़ हुआ था। कुछ लोगों ने दावा करा कि उनकी आँखों पर काले धब्बे थे, मतलब चोटों के निशान थे। और ये सब कुछ दावे अभी हाल ही में रूप कुमार शॉ जी जो थे, जो कूपर के एम्प्लॉय थे, उन्होंने भी किए थे। तो इन सारे दावों को देखा जाए, समझा जाए, तो साफ दर्शाता है कि ये मामला सिंपल नहीं है, ये मामला तो मर्डर की ओर इशारा कर रहा है। और अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह जी से जब रिपब्लिक ने बात करी थी तो उन्होंने क्या कहा? पहले होना चाहिए, वो अभी हो रहा है, ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी, यही एसआईटी निकालेगा। अच्छा किया है ये सरकार। दिशा सालियान का मर्डर किया गया था या वो ऊपर से गिर गई थी चौथे मंजिल से, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन पेपर से न्यूज से यही पता चला था कि कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें उद्धव ठाकरे के खानदान का नाम आ रहा है। आपको कैसे जानकारी? हमको तो समाचार से, न्यूज चैनल से मालूम होता है। वहाँ का जो अनिल रितेश राणा जो है और अनिल जी जो वहाँ के नेता हैं, वो लोग इस तरह का व्याख्यान दे रहे थे उनके बारे में। उद्धव ठाकरे के लड़का जो आदित्य ठाकरे है उसका भी इन्वॉल्वमेंट है, उन लोगों के मुंह से सुने। जांच हो रहा है, स्वागत योग्य, ये एकदम स्वागत योग्य कलम कदम है, और ये इसमें जो सही दोषी है वो बाहर आएगा, ये हमको उम्मीद है। तो अभी सुशांत सिंह राजपूत का भी मामला पूरा तरीके से सलग नहीं पाया, जो आपके पुत्र थे, तो सीबीआई अभी जांच ही कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि उस मामले में भी जांच थोड़ा स्पीड बढ़ाना चाहिए? अब लगता है कि प्रगति होगी इस लाइन में, क्योंकि पहले सरकार दूसरी थी, इस सरकार में उसको सहूलियत होगी जांच में, और अब लगता है कि जांच सही दिशा में ही जाएगी और सही चीज निकल के आएगा सामने। आपको क्या लगता है, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था या मर्डर किया? देखिए, हमारा बच्चा सुसाइड तो नहीं कर सकता था, इसलिए कि वो उस तरह का बुजदिल था नहीं, वो हिम्मत वाला था, तेज तरार था, समझदार था, इसलिए सुसाइड करेगा इस पर तो हमको यकीन नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस कहती है कि सुसाइड था, स्वरा दुनिया कहने लगा, जो परमवीर सिंह जो डीजीपी थे वो कहते थे, वो कुछ और कहते थे, उन्होंने काफी परेशान भी किया हमारे एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को जब हमने आर भारत पे न्यूज चलाया। उसमें जो सरकार थी, सरकार का आदमी उसमें इन्वॉल्व था, इसलिए वो सरकार का पुलिस, वो सरकार और परमवीर जी जी सब झूठा बयान दिया और झूठा करार दिया था कि वो सुसाइड किया। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो सुसाइड नहीं किए थे? नेचर होता है, नेचर उसके साथ तो ऐसा कुछ था नहीं कि वो सुसाइड करता, और बुजदिल था भी नहीं, न कमजोर दिल का था, वो तो ब्रिलियंट के साथ साथ समझदार भी था और हिम्मत वाला था। ऐसे हम समझे, हम बच्चे से उसको देख रहे हैं, मालिकों से हम हैं, हमको ना पता है कि कितना बोल्ड आदमी था, लेकिन ऐसा अगर वो लोग बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, और अगर सही में एसआईटी जांच करे और सीबीआई उसका इंक्वायरी जो कर रहा है पहले से सही चीज निकाल देगा। अब जो नई सरकार है, हमको इस सरकार से बहुत उम्मीद है, जो होगा सही होगा। क्या लगता है कि बॉलीवुड का पूरा जो गैंग है वो इन्वॉल्व था? बॉलीवुड का गैंग इन्वॉल्व था ये तो हम नहीं कहेंगे, हो सकता है कि दो नाम उससे आवे बॉलीवुड से भी। आपको लगता है कि मर्डर हुआ था, सुसाइड?
नहीं तो एक तो मर्डर था, एकदम मर्डर था, सुसाइड तो एकदम नहीं था, किसी एंगल से सुसाइड नहीं था। बॉडी देखे तो आपको क्या लगा? हमको उस समय हमारा मन बहुत घबराए हुए था, इसलिए हम ठीक से देखे नहीं, लेकिन वो मर्डर ही था। कन्विंस है आप? सीबीआई से आप क्या आग्रह करें? हम आग्रह करेंगे सही से जांच करें, सही से पता करें, वो सही एकदम निकल जाएगा। इस केस का जो एसआईटी गठन किया है दिशा सल्यान के बारे में, वो अगर सही से केस अधिक किया जाए, इंक्वायरी किया जाए, तो सही बात सुशांत का भी आ जाएगा सामने। उनके साथ जो फ्लैट में लोग रहते थे, उनकी एक महिला मित्र भी रहती थी, तो उनके बारे में आपका क्या कहना? क्या उन लोग का भी रोल था सुशांत के डेथ के पीछे? तो रिया चक्रवर्ती का नाम आया था, वो तो थी, असली डाइन तो वही थी। हाँ, वो बिगाड़ने के लिए ही आई थी। हाँ, जो कुछ भी घटित हुआ वो रिया चक्रवर्ती के चलते ही हुआ। तो आप क्या मांग कर रहे? मांग तो कर रहे हैं जो एसआईटी गठित हुआ है, इस केस में भी सीबीआई जांच करे तो उम्मीद जगेगी, उसमें तो सीबीआई है। अभी तक आपको क्या लगता है आपके बेटे के मौत का जो हुआ है या जो हत्या हुई है, आप जो कह रहे हैं उसमें आपको न्याय मिला है या नहीं मिला है, या न्याय की मांग कर रहे हैं? न्याय की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। इससे आप हतोत्साह हो रहे हैं? तो होना ही है, हर कोई भी पिता इसी परिस्थिति में आ जाता है। पहली बार कब बात हुई थी आपको सुशांत से? हम लोग पहली बार बातचीत कर रहे हैं सुशांत से, हमको 14 तारीख को ऐसा हुआ था, हमको 7 तारीख को बात हुई थी, उसी महीने की 7 तारीख को। बातचीत में ऐसा कुछ नहीं लगा, ऐसा कुछ बोला भी नहीं, वो यही बोला था कि हम पापा केरल जा रहे हैं, वो क्या कौन खेती होता है ऑर्गेनिक खेती के लिए के संबंध में हम जा रहे हैं केरला, करीब 1 सप्ताह 2 सप्ताह रहेंगे, इसमें बात हुई थी। जो आदमी इस तरह की बात करे वो सुसाइड किसे करेगा, क्यों करेगा? एक दिन पहले 13 जून को अपने नई फिल्म के प्रोजेक्ट के लिए किसी डायरेक्टर से भी बातचीत कर रहे थे मोबाइल कॉल में। हाँ, ये सभी होगा, लेकिन जो आदमी इस तरह करेगा वो सुसाइड कैसे करेगा, कोई समझने की बात है? दुनिया एम्स पूरा महाराष्ट्र पुलिस ये करार दिया कि वो तो सुसाइड था, सब लोग कह दिया सुसाइड था। सरकार के बात पुलिस बोलती थी, जो सरकार बोलता था वही पुलिस वहाँ की बोलती थी, और सरकार के जो घर के आदमी थे, जो चीफ मिनिस्टर था उद्धव ठाकरे जी, उसका बेटा आदित्य ठाकरे जी, इन लोगों का लगता है कि इस केस में इन्वॉल्वमेंट है। अब जब वहाँ के लोग बोलते हैं तो हमको बोलने में क्या दिक्कत? उन्हीं लोगों के बात से तो सुन के ये बात बोल रहे हैं कि उन लोगों का ही है हाथ इसमें, तो वहाँ की पुलिस कैसे बोलेगी? सरकार जो बोलता था वो पुलिस बोलती थी। अब जो सरकार अभी है, मांग करते हैं कि सीबीआई अपने जांच की गति और तेज बढ़ाए, थोड़ा सीबीआई सुशांत के केस को आगे बढ़ाए, तेजी से बढ़ाए, और दिशा सल्यान का भी केस सीबीआई डील करे, तो पूरा का पूरा चीज बाहर आ जाएगा। इंटरलिंक है, दोनों केस इंटरलिंक है। आपकी दिशा सल्यान से कभी भेंट हुई थी? तो भेंट हुई थी, हम इतने जानते थे कि वो उसकी मैनेजर थी। कुछ दिन पहले उसके बाद सुशांत का भी डेथ हो गया, तो दोनों आपको लगता है कि 8 तारीख को दिशा सल्यान का हुआ था, 14 तारीख इसका हुआ था। कनेक्शन इसमें ये है कि उसका जो मर्डर हुआ था, मर्डर के पहले दिशा सल्यान सुशांत को कुछ फोन पर बात की थी कि इस तरह से मेरे साथ हुआ है, तो शायद सुशांत बोला था कि हम इसको पब्लिकली आवाज उठाएंगे इसके लिए, हो सकता है कि यही कनेक्शन हो, इसीलिए सीबीआई इस केस में भी करे सीबीआई इंक्वायरी। तो नहीं त्वरित कार्रवाई करेगी तब आगे क्या करेंगे आप? सरकार से रिक्वेस्ट यही करेंगे, और क्या कर सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस मामले में एक परिवार, एक पिता शुरुआत से चुप था, क्योंकि उनको पता है इस मामले में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक इंसान के चुप रहने से ये साबित नहीं होगा कि ये मामला सिंपल है। पूरा देश आज आवाज़ उठाता है, पूरा देश बात करता है, वो इसीलिए क्योंकि पूरे देश को यहाँ पर दिखाई देता है फोटो देखने के बाद, ट्विटर पे कुछ खबरें निकल के आ जाती हैं, न्यूज़ में खबरें निकल के आने के बाद समझ आता है लोगों को भी कि इस मामले में बहुत सारी चीज़ें छुपी हो सकती हैं। जो एजेंसीज बाहर लेके आएंगी, कब लेके आएंगी कोई नहीं जानता, पर एजेंसीज पर विश्वास है लोगों को, आज भी लोगों का विश्वास है केंद्र सरकार पर कि इस मामले में कुछ बड़ा सच निकल के आएगा वक्त आने पर वो वक्त कब आएगा ये कोई नहीं जानता। अभी इस मामले में अगर हम बात करें तो अभी सुशांत मामला तो चल ही रहा है, पर साथ में
सलमान खान को लेकर भी धमकियां चालू हो चुकी हैं। जैसे सलमान खान को अभी हाल ही में कहा जा रहा है कि एक धमकी मिली है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से। लॉरेंस बिश्नोई जो जेल के अंदर है और जेल के अंदर से इंटरव्यू देते समय लाइव टीवी पर उस शख्स ने सलमान खान को धमकी दे दी है और कुछ दावे हो रहे हैं कि सलमान खान अगर माफ़ी नहीं मांगेगा तो हम उसका घमंड तोड़ देंगे। तो देखने वाला विषय यह है कि सलमान खान को भी धमकियाँ मिलने शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पर सुशांत केस अभी तक सुलझा नहीं है। तो देखने वाला विषय है कि इस मामले का सच कब निकल के आएगा। अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर आज भी कई ऐसे लोग हैं जो बिना मतलब के ये दावे कर देते हैं कि ये मामला सिंपल है, इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत ही नहीं है। लोग फालतू में आवाज़ उठाते हैं। यहाँ पर अगर एक इंसान आवाज़ उठाता तो शायद लगता कि फालतू में आवाज़ उठ रही है। जब पूरा देश आवाज़ उठाता है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छुपी होती हैं जो वक्त पे कब बाहर आएंगी ये कोई नहीं जानता। पर इंतज़ार करिए, सच बाहर आता ज़रूर है, सच कभी छुपता नहीं है, ये तो सच है। और आज भी हम देखेंगे कि सुशांत केस में जितने सच छुपे हैं वो कब बाहर आएंगे, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि एजेंसी जांच कर रही थी और लगभग 3 एजेंसी CBI हो, NCB हो, ED हो, सब जांच कर रहे थे। और जब एजेंसी जांच कर रही थी तो कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई थी जो आज भी इस मामले पर सवाल उठाते हैं कि इतना कुछ निकलने के बाद भी अचानक से इस मामले में एजेंसीज कहाँ चली गई। पर लगता यही है कि वक्त आने पर एजेंसीज भी धमाका करेंगी और उन लोगों का नाम उजागर करेंगी जिनका हाथ है इस पूरे मामले में। आपको क्या लगता है, मैं चाहूँगा अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर रखिए। क्योंकि जिस तरीके से एन के सूद जी हो, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी हो, इन लोगों के दावे, इन लोगों के जो ट्वीट्स निकल के आते हैं तो साफ साफ दर्शाता है कि ये मामला तो 302 का है। क्योंकि इन्होंने साफ कहा हुआ है इस मामले में अंडरवर्ल्ड का हाथ है, इस मामले में सीधा 302 लगनी चाहिए। तो अगर इतने बड़े बड़े लोग ये दावे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कई बड़ा सच छुपे हो सकते हैं इस पूरे मामले में। आपकी क्या राय है, मैं चाहूँगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।